जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश्वरी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आर्मी जीडी के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर। इससे पहले भी हमने काफी सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं कहाँ का पेपर, आज हम करने जा रहे हैं एआरओ जबलपुर का पेपर जो कि आपका कब का है, ये आपका 1 नवंबर 2020 का है। ठीक है, इसको करने के लिए आपको कुछ 60 मिनट का समय मिलता है और कुल 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला सेक्शन जो कि हमारा किस चीज़ का है, जनरल नॉलेज का, यानी सामान्य ज्ञान का। तो हमारे पहले सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड महावीरा वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ डैश इन इंडिया। भगवान महावीर भारत में डैश के प्रस्तावक थे, मतलब वो किसका प्रचार करते थे, मतलब किसके प्रस्तावक थे, प्रोपोनेंट थे। तो लॉर्ड महावीरा थे वो आपके जैनिज्म के थे, जैन धर्म के थे। ठीक है, अगर मैं आपको महावीरा के बारे में बताऊं तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर कह सकते हो जिसका, जिस तरीके से जो इनको बढ़ाता था, मतलब बताता था कि आप इस तरह से फैलाओ या इन अपने धर्म के बारे में कि क्या हमारी खूबियां हैं, क्या हमें करना चाहिए, वो सब बताते थे। ये थे इनके 24वें तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर। जो इनके जैनिज्म के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था भगवान ऋषभदेव, वो उनके पहले तीर्थंकर थे। और जो हमारे लॉर्ड महावीरा है ये हमारे 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अगर मैं जैन धर्म की बात करूं तो ये दो संप्रदाय में बटा हुआ है, एक आपका श्वेतांबर एक आपका दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद कपड़ों में विश्वास करते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते एक तरीके से वो होते हैं। इसका आंसर क्या है आपका, डी, जैन धर्म इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा, आर्यभट्ट वन ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन फ्रॉम इंडिया वॉज बॉर्न इन। आर्यभट्ट जो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था भारत में, तो उनका जन्म जो हुआ था वो था बिहार में। अब मैं कह सकता हूँ बिहार में, तो इनका जन्म कुसुमपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म, कुसुमपुर में। कुसुमपुर प्राचीन काल में जो आपके बिहार की राजधानी पटना उसका पुराना नाम था। तो कैसे हुआ इनका आंसर, इसका आंसर वो बिहार में इनका जन्म हुआ था। हमारी जो पहली सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी वो भी आर्यभट्ट के नाम पे ही थी। इसका आंसर क्या है, बी, बिहार इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन जो कि हमारा, द अदर नेम ऑफ यारलुंग त्सांगपो रिवर इन इंडिया इज। भारत में यारलुंग त्सांगपो नदी का दूसरा नाम क्या है, तो ये किसका दूसरा नाम है, ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का नाम। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताऊं तो ये तिब्बत भारत और बांग्लादेश इन तीन देशों से होते हुए गुजरती है और जाके बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। यह तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है और जब ये निकलती है तिब्बत से तो वहां पे इसका नाम यारलुंग त्सांगपो है, इसलिए ये सब दूसरा नाम है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि कहां कहां से ये निकलती, कहां से ये निकलती आपकी तिब्बत से है, फिर तिब्बत के बाद ये बहती हुई इंडिया में आती है, कहां से आती है, अरुणाचल प्रदेश से आती है, अरुणाचल प्रदेश एंटर करती है और उसके बाद फिर बहते हुए ये बांग्लादेश में जाती है और फिर उसके सहारे अपना ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बेओ बंगाल में। तो ये किसका नाम है, ये ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर क्या है, सी, ब्रह्मपुत्र इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू डैश स्टेट्स इन इंडिया। कर्क रेखा भारत में डैश राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम पेपर्स में क्वेश्चन में आ ही जाता है, जैसा कि एक छोटे एक पेपर में आपको मिल ही जाएगा क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ऐसे बोल सकते हो, अगर आपने भारत का नक्शा देखा हो तो एक रेखा होती है जो एक तरीके से भारत को दो बराबर हिस्सों बांट देती है, अगर आपने गौर करी हो, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रेखा होती है वो किस किस राज्य से होकर गुजरती है। सबसे पहले याद रखिए वो गिनती के 8 राज्य हैं और आपको 8ों के नाम पता होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको 8ों के नाम लाइन से बताता हूँ ताकि मैं वेस्ट से होता हुआ ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेट आता है वो आता है हमारा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। ये 8 वो राज्य हैं जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका आंसर क्या है, ए, 8 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा, द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी इन इंडिया ऑन्ड बाय रिलायंस इज लोकेटेड इन।
रिलायंस के स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? ये आपके जामनगर में स्थित है। ये कब शुरू हुई थी? ये 14 जुलाई 1999 में शुरू हुई थी। और जब इस किस उससे शुरू हुई थी? 668,000 बैरल पर डे की क्षमता से शुरू हुई थी। ठीक है, ये कितने एरिया में फैली हुई है? ये 7,500 एकड़ में फैली हुई है। कहां पे है ये? जामनगर। जामनगर कहां पे? गुजरात में। तो इसका आंसर क्या है? डी, जामनगर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन जो कि हमारा द मिनिमम एज फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा इज डैश ईयर्स। लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्षों की है? लोकसभा जिसके मेंबर्स को आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद बोलते हो, तो उनकी जो उम्र है वो है 25 साल। बट अगर मैं यही क्वेश्चन बदल के लोकसभा के बदले राज्यसभा बोल दूं, तो राज्यसभा के लिए जो उम्र है वो है 30 साल। ठीक है, एक अंतर और क्या? लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको आप लोग चुनते हो, तो हम लोग जो वोट डालते हैं उस तरह से चुने जाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको हम नहीं चुनते। इनमें से कुछ तो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, जिनके इलेक्शन अंदर से होता है, मतलब हमारे जो एमएलए एमपीज होते हैं वो वोट डालते हैं, और कुछ को जो हमारे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट वो नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो लोकसभा के लिए कितनी मिनिमम एज है? 25 साल, और राज्यसभा के लिए 30। तो इसका आंसर क्या है हमारा? सी, 25 साल इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन जो कि हमारा एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा इज। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सबसे पहले मैं जिस तरह बताता हूँ, हमारे यहाँ पे दो तरह के हाउस होते हैं, पार्लियामेंट को दो हाउस में बांटा जाता है, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस उच्च सदन जो कि आपका राज्यसभा है, और जो आपका लोअर हाउस है माने नीचे वाला सदन, उसको बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, यहाँ पूछा गया है जो राज्यसभा है इसमें अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 250 इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अभी प्रेजेंट में कितने हैं, तो वो हैं आपके 245 करेंट। ठीक है, इतने मेंबर्स हैं। अब 250 में से 238 मेंबर्स, अगर मैं आपको एक और डिवीजन बताऊं, तो 250 में से जो 238 मेंबर्स हैं, ये तो आपके वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं। ठीक है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं, और जो 12 हो बच गए इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, ये नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। अब ये किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, चाहे वो कला हो, बॉलीवुड हो, कोई स्पोर्ट्स हो गया, लेक्चरर, टीचर, डॉक्टर, किसी फील्ड से हो सकते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था जब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कितना है? मैंने क्या बताया आपको? प्रेजेंट 245। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी, 245 इसका आंसर हो गया। मैंने ये सब आपको इसलिए बताया क्योंकि ये सब भी पेपर में पूछा जा सकता है, कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, तो 250 होती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि 250 होती है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको काफी इंफॉर्मेशन भी दिए जा रहा हूँ। आइए बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन जो कि हमारा हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? पहली बात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आज के टाइम पे हम रोबोट देख रहे हैं, ड्रोन देख रहे हैं, अपने आप चलने वाली गाड़ियां देख रही हैं, जैसे लाइक आप देखते हो मेट्रो, एक जो एग्जाम्पल है दिल्ली मेट्रो, उसमें मानव रहित चलाई गई थी, मतलब कोई ड्राइवर नहीं है लेकिन वो चल रही है। टेस्ला की कार आती है जो ऑटो पायलट मोड पे डाल दो तो वो खुद चलती रहती है, आपको उस पर हाथ नहीं या पैर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये किसके थ्रू हो पा रहा है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो पा रहा है, जिसको आप शॉर्ट में एआई बोलते हो। ठीक है, हर चीज में एआई का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सब में बढ़ गया है। अब किसको इसका जनक कहा जाता है, किसी ने इसकी शुरुआत करी थी? तो वो है आपके जॉन मैककार्थी। ठीक है, इसको इसका जनक कहा जाता है। एआई इससे और क्या मीन होता है? एआई एक ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है, जो मशीन्स बनाती है, इंटेलिजेंट मशीन्स बनाती है, आप ऐसे इसको डेफिनेशन बोल सकते हो। इसका आंसर क्या है? सी, जॉन मैककार्थी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे नौवे क्वेश्चन जो कि हमारा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु सर्वड इन द कोर्ट ऑफ शिवाजी इज नेम्ड एज। शिवाजी के दरबार में सेवा करने वाली मंत्री परिषद का नाम, वो थे आपके अष्ट प्रधान, मतलब शिवाजी की जो उनका मिनिस्टर थे जो उसको सर्व करते थे उनको अष्ट प्रधान बोलते थे, मतलब ये 8 मेंबर थे। अब अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये उनको सिर्फ गाइड करते, उनको सिर्फ सजेस्ट करते थे, जो आखिरी निर्णय लेते थे, जो डिसीजन होता था वो शिवाजी का होता था, बट ये उनको गाइड करते थे हर चीज में। अब ये आठों कौन कौन थे मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले थे पेशवा। पेशवा कौन होते थे? पेशवा जो सबके हेड होते थे, सारे मिनिस्ट्रीज के हेड होते थे पेशवा। फिर आते थे अमात्य,
ये इनके फाइनेंस मिनिस्टर बोल लो, जो भाई फाइनेंस का वगैरह देखा करते थे। दूसरे तीसरे होते थे इनके मंत्री, मिनिस्टर, जिसको सिर्फ मिनिस्टर बोलते थे, जिनका काम होता था कि शिवाजी महाराज को बताना कि आज आपसे ये मिलने आ रहे हैं, या आपको ये करना है, वहां जाना है, एक तरह से ये काम होता था। फिर थे इनके सचिव। सचिव का काम क्या होता था? सचिव आपके आते थे, जैसे कि किसी दूसरे राज्य को कोई पत्र लिख के भेजना है, कोई मोहर लगानी किसी चीज के ऊपर, तो सचिव आते थे। चार हो गए। पांचवे पे आते थे इनके सुमंत। सुमंत क्या देखते थे? सुमंत इनके एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, जो वो देखा करते थे कि बाहर के राज्यों से या बाहर के देशों से कैसे इनके संबंध है, वो होते थे। फिर आते थे इनके सेनापति। सेनापति आपके जो मिलिट्री संभालते थे। फिर आते थे इनके पंडित राव। पंडित राव क्या करते थे? ये देखा करते थे कि दान कितना आया, दान कितना करना है, ये सब देखा करते थे। और आखिरी थे इनके न्यायाधीश, जिनका क्या होता था, कानूनी मामलों के निर्णायक होते थे, ये कानूनी मामलों में सलाह दिया करते थे। तो ये उनके आठ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, जिसको आप अष्ट प्रधान बोलते हैं। इसका आंसर क्या है? बी, अष्ट प्रधान इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन, जो कि हमारा सत्यमेव जयते वाज फर्स्ट रेसिस्टेड बाय। सत्यमेव जयते का पार्ट सर्वप्रथम किसने लिया था? ये क्या था आपके? मदन मोहन मालवीय जी ने। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रुथ ऑलवेज विन, सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक, सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है लिख के बताता हूँ आपको, ट्रुथ ऑलवेज विन, सत्य की हमेशा जीत होती है। हम कहते हैं ना कि कभी भी आप कितना भी झूठ बोल लो, एक ना एक बार सच सामने आ ही जाता है। तो वही चीज है, सत्यमेव जयते आपका जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसके नीचे भी लिखा हुआ है हिंदी देवनागरी लिपि में। कहाँ से लिया गया था सत्यमेव जयते? ये अशोका स्तंभ से लिया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी, मदन मोहन मालवीय जी ने पहली बार इसका, मतलब पहली बार इसका नाम लिया था। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन और, जो कि हमारा विच ऑफ दीज फॉलोइंग आइसलैंड्स हैव एन एक्टिव वॉल्केनो। निम्नलिखित में से किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? लक्षद्वीप, आंडमान आइसलैंड, दीव, दमन। आंडमान आइसलैंड में एक्टिव आइसलैंड है, जिसका नाम है बैरन आइसलैंड। ये आपके बैरन नाम का वॉल्केनो भी, और ये बैरन आइसलैंड में भी है, जो कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ठीक है, इंडिया का ये इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? बी, अंडमान निकोबार इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स। खाद्यों की खरीद और भंडारण के लिए इनमें से कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? वो है आपका FSSAI। पहली बात तो इस FSSAI की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में लिख के बताता हूँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर आप कुछ पैकेट देखो खाने के, कुछ पैकेट से सामान के पीछे भी इनका FSSAI लिखा होता है कि हाँ इनके थ्रू ये आया है, मतलब इन्होंने इसको बताया कि हाँ ये सही है, या कहाँ पे कितना स्टोर करना है, कहाँ पे कितना उनको देखना है कि सब सही है, कि वो सब इनका काम होता है। कब स्टेबलाइज हुआ था? ये स्टेबलाइज हुआ था 2006 में, स्टेबलाइज इन 2006। और ये किसके अंदर आता है? ये फैमिली एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसका आंसर क्या है? बी, FSSAI इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन, जो कि हमारा अ कंप्यूटर कीबोर्ड कैन नॉट बी आ, एक कंप्यूटर कीबोर्ड क्या नहीं हो सकता? वन पिन DIN नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है? डी, वन पिन DIN नहीं हो सकता। आइए बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन, जो कि हमारा इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया डिवाइडेड। भारत में राज्य विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसके आंसर से पहले मैं आपको पहले और चीज बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, स्टेट लेजिस्लेचर। अगर मैं यहाँ पे स्टेट ना लगाऊं, मैं बात करूं, मैं आपसे पूछूं पार्लियामेंट जो हमारा संसद है वो कितने उसमें बटा हुआ है, तो हमारा पार्लियामेंट होता है वो दो में बटा होता है,
क्या क्या, एक होता है हमारा राज्यसभा और एक होता है हमारा लोकसभा, ठीक है। ये किसकी बात करी मैंने, ये मैंने आपकी बात करी पार्लियामेंट की। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पार्लियामेंट को भूल जाओ, अब आप बात करो अपने स्टेट की। एज एग्जाम्पल आप यूपी की बात करो, ठीक है। क्या यूपी में ऐसा कुछ दो है, क्या ऐसी दो चीजें हैं कि एक जैसे राज्यसभा जैसा, एक लोकसभा जैसा, कुछ है ऐसा? हाँ है, यूपी में आपकी दो सदन है, ठीक है। एक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और एक आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। विधायिका अब क्या हर स्टेट में ऐसा है? नहीं, भारत में सिर्फ छह ऐसे स्टेट हैं जिनमें ये दो दो तरह का है, मतलब जिसको बाइकैमरल बोलते हो वो है, बाकी सारे स्टेट्स आपके यूनिकैमरल में आते हैं। वो छह स्टेट कौन कौन से हैं? तो वो छह स्टेट है आपके, सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, फिर आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र और लास्ट में यूपी। ये छह वो स्टेट हैं जिन पे बाइक कैमरल लेजिस्लेशन है, मतलब उनके यहाँ पे दो चीजें हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, बाकी सारे स्टेट्स में सिर्फ सिंगल है जिसको यूनिकैमरल बोलते हूँ। तो क्या पता चला इससे हमें कि स्टेट लेजिस्लेचर कितने में बटा हुआ है? वो बटा है दो में। और कितने राज्यों में दो में बटा हुआ है? सिर्फ छह राज्यों में बटा हुआ है, बाकी सब में सिंगल है। इसका आंसर क्या है? डी, दो इसका आंसर है। अभी बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा जनरल नॉलेज का आखिरी क्वेश्चन है। Who is the first Home Minister of India? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे आपके सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। जब भारत आजाद हुआ था तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने थे, सरदार पटेल हमारे गृह मंत्री थे पहले। अब जो बाकी हैं इनको बताता हूँ ये लोग क्या क्या थे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सरदार पटेल आपके क्या थे? फर्स्ट गृह मंत्री। बाबू जगजीवन राम जी ये आपके पहले लेबर मिनिस्टर थे। उसके बाद आपके जो ये मोरारजी देसाई हैं, ये आपके पहले नॉन कांग्रेसी पीएम थे, जो कांग्रेस से ना हो और पीएम बने हैं। और जीबी पंत ये आपके पहले सीएम थे उत्तर प्रदेश के, ठीक। बाद में ये गृह मंत्री बने थे भारत के। तो हमसे क्या पूछा गया था कि सरदार पटेल पहले, तो हमसे क्या पूछा गया था पहले गृहमंत्री कौन थे? वो थे आपके सरदार पटेल। तो उसका आंसर क्या है? ए, सरदार पटेल इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा जनरल नॉलेज पहला सेशन खत्म होता है। अभी बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ, जो कि आपका जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑड फ्रॉम अमंग द बिलो ऑप्शंस, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए या पहचानिए। ऑप्शन क्या है? आइस, वाटर, जूस और पेट्रोल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? इसका आंसर है पेट्रोल। पेट्रोल क्यों? क्योंकि आइस, वाटर, जूस ये तीनों एक तरीके से खाद्य सामग्री है, मतलब इनको फूड या वाटर कैटेगरी में आता है, जिसको आप खा या पी सकते हो, बट पेट्रोल को नहीं कर सकते हो। इसका आंसर क्या है? डी, पेट्रोल इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं आपके 17वें क्वेश्चन, जो कि हमारा कैंडेला इज अ यूनिट ऑफ, कैंडेला किसकी इकाई है? तो कैंडेला आपकी इकाई होती है लाइट इंटेंसिटी की, जिसको आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी बोलते हो, ठीक है। अब बाकी पूछा गया है कि बाकी की यूनिट क्या क्या है। तो जो डेंसिटी की यूनिट होती है वो होती है आपकी केजी पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, साउंड की डेसिबल्स, जिसको आप ऐसे लिखते हो, और इसकी तो आपको पता ही है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? सी, कैंडेला लाइट इंटेंसिटी यूनिट होती है। अभी बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन पर, जो कि हमारा द एनर्जी पॉजिस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन इज कॉल्ड द, किसी पिंड द्वारा अपनी स्थिति के आधार पर धारण की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? किस पे बोला गया है? स्थिति पर, मतलब पोजिशन पे। अगर कभी भी पोजिशन की बात आती है और एनर्जी की बात आती है तो हमेशा याद रखो वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पोजिशन के अकॉर्डिंग होती है। काइनेटिक हमेशा मोशन पे होती है, यानी गतिज। अगर बात आ जाए गति की तो वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक की बात हो गई, कंजर्वेटिव मतलब जिसको कंजर्व कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी? पोजिशन वाली होती है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? डी, पोटेंशियल एनर्जी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव द लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स, निम्नलिखित में से किस अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे कम है?
चलो सच बताता हूँ मैं, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है CH4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, वाटर का H2O, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। अब बताओ किसके अंदर कितने एटम्स हैं? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक कार्बन का एटम है और चार हाइड्रोजन के हैं। 1 + 4 क्या होता है? 5। इसके अंदर कितने हैं? एक हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का, कितने हुए? 2। इसके अंदर दो हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का, 3। इसके अंदर दो हाइड्रोजन का, एक सल्फर का और चार ऑक्सीजन के, कितना हुआ? 7। सबसे कम किस में है? HCl में। तो इसका आंसर क्या हुआ? BHCl इसका आंसर हो गया। समझ में आया किस तरीके से? देखिए इसका आंसर तो आसान था, लेकिन किस तरीके से बनना है वो आपको बताने के लिए मैंने पूरा बताया। इसका आपको फॉर्मूला बता लिया इस तरीके से, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन, जो कि हमारा पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन, परागण किस में होता है? ये होता है आपके फ्लावर्स में। अब पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिससे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जाते हैं, मतलब एंथर टू स्टिग्मा, चाहे वो सेम प्लांट का हो और चाहे वो डिफरेंट प्लांट का हो, ऐसे होता है, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो इसका आंसर क्या है? सी, फ्लावर्स का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन, जो कि हमारा मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज एंड इज जनरली ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है, आमतौर पर संक्रमित से फैलती है। किसके उससे फैलती है? ये फैलती है मॉस्किटो से, मच्छर काटे से मलेरिया आपका फैलता है, और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। ये कैसे फैल सकता है? चाहे एक मच्छर इन्फेक्टेड मॉस्किटो आपको काट ले, ह्यूमन को काट ले, तो उससे ही फैल सकता है। इसका आंसर क्या है? सी, मॉस्किटो का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ दीज इज अ वल्नरेबल स्पीशीज, इनमें से कौन सा एक सुभद्र प्रजाति है? वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी होती है? ये वो स्पीशीज होती है जो बहुत ज्यादा रिस्क में, ताकि एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब बहुत जल्दी गायब हो सकती है, हाईली रिस्क एट, इसको मैं बोलूं रिस्क एट हाईली एक्सटिंक्ट, मतलब जल्दी ही लुप्त हो सकती है। ठीक है, इनमें से कौन सी है? तो जो आपकी मार्बल कैट है, मार्बल वाली बिल्ली, ये इसका आंसर है। ये कहाँ पाई जाती है? ये ईस्टर्न हिमालय से, हमारे पूर्वी हिमालय से साउथ ईस्ट एशिया के बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए, मार्बल कैट इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 23वां क्वेश्चन, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसके डैश के समानुपाती होती है। तो ये होती है आपके करंट की। ठीक है, करंट की कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? वो कहता है जो आपका हीट होता है एच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये होता है करंट के। इसका आंसर क्या है? ए, करंट इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट डज द गैल्वेनोमीटर मेजर, गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? गैल्वेनोमीटर आपका इलेक्ट्रिक करंट मापता है। ये जैसे आप, मैं आपको बताऊं, अगर आपको वोल्टेज नापना है तो आप इस्तेमाल करोगे वोल्टमीटर। किसके लिए? वोल्टेज के लिए। करंट नापना है तो एक तरीका और है, एमीटर, जिस पे ए बी ऐसे लिखा होता है। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है वो मिनिमम से मिनिमम करंट भी मेजर कर सकता है, जिसपे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। बाकी कनेक्शन पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से यूज कर रहे हो। तो आंसर क्या है? डी, इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन, जो कि हमारा सिस्मोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ विच डिसिप्लिन, भूकंप विज्ञान किस अनुशासन का अध्ययन है? ये आपके अर्थक्वेक्स का होता है। भूकंप जो आता है उसको देखने का तरीका, रिक्टर स्केल पे हम चेक करते हैं भूकंप कितना आया है, तो उसकी स्टडी को सिस्मोलॉजी बोलते हैं। इसका आंसर क्या है? बी, अर्थक्वेक्स का आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या है? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 19। बाकी बताता हूँ जो आपको आपको ऑप्शन में दिख ही रहे हैं, तो 17 किसका होता है? तो पहले 17 की बात करते हैं, 17 आपका होता है क्लोरीन का, 18 होता है एर्गन का, 19 पोटेशियम का आपको बता ही दिया मैंने, जिसको आप के से रिप्रेजेंट करते हो, और 20 आपका होता है कैल्शियम का। इसका आंसर क्या है आपका? बी, 19 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन, निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन में भी रह सकते हैं, तो इनमें से ऐसा कौन है? तो वो है फ्रॉग, मेंढक। मेंढक दोनों जगह आसानी से रह सकता है, तो इसका आंसर क्या है? बी, फ्रॉग इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक मास, इनमें से ऐसा कौन सा परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सबसे भारी धातु है? तो वो होता है आपका प्लूटोनियम, प्लूटोनियम जिसको आप पीयू से रिप्रेजेंट करते हो। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है
परमाणु संख्या वो होता है 94। और इसका अगर मैं एटॉमिक मास बोलूं जिसके बेस पे मैं बताना है परमाणु द्रव्यमान, तो वो होता है इसका 244.064। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी, प्लूटोनियम इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच प्रोसेस ऑफ प्लांट ओपन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के कौन से छिद्र खुलते हैं जब उनमें पानी बहता है? वो होते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू गैसेस भी पास होती है और इसका मेन फंक्शन ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो पानी अब जो प्लांट्स इवापोरेशन करता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो स्टोमाटा ही होता है जिसके थ्रू ये चीजें होती हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, स्टोमाटा इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। आप हवा में हो या आप कोई भी चीज हवा में फेंको, आप अपनी बॉल को ऊपर फेंको, क्या होगा? बॉल अपने आप नीचे आएगी। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत जल्दी लगता है। किसी भी चीज के ऊपर लगता है, कोई भी चीज आप हवा में फेंकोगे अपने आप नीचे आएगी। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे अर्थ पर ग्रेविटेशन है। इसका आंसर क्या है? बी, ग्रेविटेशनल फोर्स का आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेक्शन बी खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन सी की तरफ जो कि आपका कौन सा है? मैथमेटिक्स। तो हमारा सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS 200, इफ इट इज सोल्ड फॉर RS 198 देन फाइंड द लॉस परसेंटेज। एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 है, लिख के दिखा देता हूँ। CP हुआ 200, फिर बोला इससे 198 रुपए में बेचा जाता है, मतलब SP वो हो गया आपका 198। फिर बोला लॉस परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले निकालो लॉस, वो क्या होता है? CP माइनस SP। 200 में से 198 कितना आंसर आएगा? 2। अब निकालते हैं लॉस परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू पे 100। चलो लॉस कितना है? 2। CP कितना है? 200 मल्टीप्लाई 100, ये कटा 2 कम 2 2 कम 2, कितना आंसर आया? 1%। तो किसका आंसर क्या है? बी, 1% इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ 249² - 248². तो इसको करने का तरीका होता है a² - b², अगर आप निकालना चाहो 249 को 249 से मल्टीप्लाई करो, फिर 248 को 248 से करो, माइनस करो, बहुत लंबा पड़ता है। सिंपल है, a² - b², फॉर्मूला क्या होता है? a+b और a-b। a+b का मतलब 249 प्लस में 248, ठीक, और 249 माइनस में 248, इसका आंसर आएगा 497 और इसका आंसर आएगा 1। तो कितना आंसर आया? 497 इसका आंसर हो गया, मतलब इसका आंसर हो गया सी, सी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन जो कि हमारा सॉल्व करना है किसको? x+2 के स्क्वायर को। यहां लगेगा a+b का स्क्वायर, a² + 2ab + b² फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करते हैं। a माने x² + 2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर, x² + 4x + 4, क्या मैच कर गया आंसर? डी, तो डी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है 1/2 + 1/3 + 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 4, 3 और 2 का एलसीएम आएगा आपका 12, 2 के बारे में 12 होता है 6 बार में, 3 के पहाड़े में 12 4 बार में, 4 के पहाड़े में 12 3 बार में। तो कितना आंसर आया? 6 × 4 = 10 13/12। तो इसका आंसर क्या हुआ? सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे ये 12/12 नहीं, यहाँ पे ये 13/12 है, ठीक कर लीजिएगा प्लीज, शायद राइटिंग टाइम से मिस्टेक हो गई होगी। तो इसका आंसर क्या है? डी, 13/12 इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 3500 क्वेश्चन जो कि हमारा सॉल्व, 11/15 को माइनस करना है 7/15 से। सिंपल सा क्वेश्चन है, डेनोमिनेटर सेम है तो सिंपल सी बात है, दोनों को 1 लिखो और माइनस कर दो। कितना आंसर आया? 4/15। क्या आंसर हुआ इसका? बी, 4/15 इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन दुखिए हमारा, राइट द रेशियो ऑफ 24:44 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सरलतम रूप में लिखना है, 24/44 कटिंग करते हैं, 4 11 या 44 4 6 24, क्या आंसर आया? 6/11, मतलब 6:11, क्या आंसर है? डी, इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा, इन अ क्रिकेट टीम द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच इज 18 इयर्स, इफ द एज ऑफ कोच इज नॉट कंसीडर्ड देन द एवरेज इज डिक्रीजेस बाय 1 ईयर, फाइंड द एज ऑफ कोच। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों और कोच की औसत आयु 18 वर्ष है, यदि कोच की आयु पर विचार नहीं किया जाता तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, तो कोच की आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले 11 प्लेयर्स और कोच को जोड़कर जो उनकी एवरेज एज है वो कितनी है? 18 साल। तो एज ऑफ कोच विद 11 प्लेयर्स, ठीक है,
मतलब 12 लोग ही हो गए, और कितनी एवरेज है 18, तो इनका आंसर कितना आएगा, ये आएगा आपका 216 साल। ठीक, अब बोला गया है कि एज को मत गिनो, कोच को मत गिनो। अब बोला गया है कोच को मत गिनो, तो क्या बना, फिर हम निकालते हैं टोटल एज ऑफ 11 प्लेयर्स, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका, इन्होंने बोला एवरेज एज में से एक कम हो जाएगा, तो एवरेज कितनी थी 18, अब 18 में से एक कम कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 11 से, माने 17 गुना 11 क्या बनेगा, ये बनेगा 187 साल। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एज ऑफ कोच। देखो 12 बंदों की एज थी 216, 11 बंदों की 187, बचा कौन, कोच। तो एज ऑफ कोच निकालने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, 216 में से 187 माइनस करना है, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 29 साल, तो सी 29 ईयर्स इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा टू नंबर आर इन द रेशियो 2:3, इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर द रेशियो बिकम्स 5:7, फाइंड द बिगेस्ट नंबर। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो दो नंबर 2:3 है, तो 2x 3x, क्या बोला, अगर 5 जोड़ दो दोनों में तो अनुपात क्या बन जाएगा, 5/7 क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14x, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15x प्लस में 25। करते हैं सॉल्व, 15x माइनस 14x, 35 माइनस 25, एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, पुट करते हैं, 2x बराबर 2 गुना 10 मतलब हो गया 20 साल, और 3x मतलब 3 गुना 10 बराबर हो गया 30 साल, बड़ा बताना है तो 30, इसका आंसर क्या है, डी 30 इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा इन अ रेक्टेंगल द बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, वॉट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल में दो चीज होती है, एक होती है एल एक होती है बी। यहाँ पे हाइट लिखा तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब लेंथ ही है, मतलब 5, ब्रेथ होगी 12। क्या बोला गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, वो होता है एल इंटू बी, यानी 5 गुना 12 मतलब 12 5 60, क्या ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। याद रखिएगा इस एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है, इसका आंसर क्या है, डी 60 इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 40 क्वेश्चन, जो कि हमारा टू क्यूब्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। दो घनों के आयतन 1:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। पहली बात तो वॉल्यूम बता रखा है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 कितना है, 1:27। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है ए क्यूब, मतलब A1 का क्यूब और यहाँ पे आएगा A2 का क्यूब, कितना है 1/27, तो इसको ऐसे बोल सकते हो A1/A2 का होल क्यूब, ये किसके बनेगा, ये बनेगा 1/3 के होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, मतलब A1 और A2 का जो अनुपात है वो आया 1/3। हमें क्या बोला गया है, हमें निकालना है इनका सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो सरफेस एरिया ऑफ, अगर मैं बोलूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो क्या होता है, वो होगा आपका दोनों का 6A1 का स्क्वायर और 6A2 का स्क्वायर, 6 से 6 कट गया, इसको ऐसे बोल सकते हो A1/A2 का होल स्क्वायर, A1 क्या है 1/3 का होल स्क्वायर, निकालो तो क्या आएगा 1/9, तो इसका आंसर क्या है, ए 1:9 इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 41 क्वेश्चन, जो कि हमारा अ क्रिकेट स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, व्हाट विल बी हिज मीन स्कोर। एक क्रिकेट 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाता है, क्रिकेटर उसका औसत स्कोर क्या होगा, औसत निकालना सबसे आसान होता है, जितने भी उसके आए हैं सबको ऐड करो, ठीक है सिंपल है, इन 8 के 8 को ऐड करो और डिवाइड करो कितने से, ये जितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं ये 8, अब इनको जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, इनको जोड़ के आंसर आ रहा है 400, 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 50, तो इसका आंसर क्या है, डी उसका मीन स्कोर क्या है, 50 का मीन स्कोर हो गया। नहीं बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा एच ई एफ ऑफ टू नंबर इज 11 एंड एलसीएम इज 7700, इफ वन ऑफ द नंबर इज 275 देन फाइंड द अदर नंबर। एलसीएम है 7700 और एच ई एफ है 11, तो क्वेश्चन आंसर होता है एलसीएम इंटू एच ई एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये बोला है 7700 इंटू में एचसीएम मतलब 11 इज इक्वल टू क्या है एक नंबर 275 इंटू पे एक्स, निकालना एक्स है तो वो क्या होता है 7700 इंटू में 11 अपॉन पे 275,
11 से काटते हैं, 11 जाए 11, 11 टू जाए 22, 11 फाइव जाए 55, 25 से 100 काटोगे तो अगर इसको डिवाइड करो तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 308। तो इसका आंसर क्या है? बी 308 इसका आंसर हो गया। नहीं बढ़ते हमारे 43 क्वेश्चन जो किया हमारा सॉल्व, हल करें क्या 15% ऑफ 15, 15% ऑफ 15 कितना होता है? 15 225 बट्टे पे 100 मतलब हो गया 2.25। आंसर क्या हुआ? ए, ए इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 44 क्वेश्चन जो किया हमारा 45 मैन टेक 25 डेज टू डिग अ पोंड, इफ द पोंड वुड हैव टू बी डग इन 15 डेज देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मैन टू बी एम्प्लॉयड। 45 आदमी मिल गए एक तालाब को 25 दिन में खोदते हैं, मतलब अगर मुझे 15 दिन में तालाब खोदना हो तो कितने लोग लगेंगे, कितने व्यक्ति लगेंगे? तो इसको करने का तरीका होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कैसे करते हैं हम। अगर 45 आदमी है तो टाइम लगता है 25 दिन, और अगर मुझे ये खत्म करना हो 15 दिन में तो मुझे निकालना है व्यक्तियों की संख्या। दो तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं दिनों को कम करूंगा तो ये जो मेरे आदमी हैं ये बढ़ेंगे या घटेंगे? सिंपल सी बात है, आदमी बढ़ेंगे। अगर ऐसा होता है कि एक चीज कम हो रही है और एक चीज बढ़ेगी तो इसका तरीका उसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। वो कैसे करते हैं? वो करते हैं हम 45 इंटू में 25 इज इक्वल टू में एक्स इंटू में 50। तो हमें निकालना क्या है? एक्स निकालना है। 45 इंटू 25 अपॉन पे 50, कटिंग करते हैं 5 थ्री जा 15, 5 5 जा 25, 3 वन जा 3, 15 थ्री जा 45। तो x कितना हो जाएगा? 15 इंटू 5 मतलब 15 बचे 75। तो इसका आंसर क्या आया? 75। 75 आदमी लगेंगे, 75 व्यक्ति लगेंगे तो ये 15 दिन में उसको खोद दें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 45 क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा मैथमेटिक्स का आखिरी क्वेश्चन है। हाउ मैनी सर्फेसिस आर देयर इन अ क्यूब, एक घन में कितने पृष्ठ होते हैं? तो एक घन में आपके 6 पृष्ठ होते हैं। घन आपको पता ना कैसा होता है? घन घन होता है कुछ इस तरीके से। आपने लूडो खेला होगा, लूडो में पासा देखा होगा आपने, वो किस आकार का होता है? वो घन आकार का होता है। ठीक है, ये होता है आपका घन। कितने पृष्ठ होते हैं इसके सर्फेसिस के? होते हैं 6। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, सी इसका आंसर हो गया। ये हमारा मैथमेटिक्स खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की तरफ जो कि आपका जनरल इंटेलिजेंस का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्या कहता है? किचन का मतलब रेफ्रिजरेटर, तो बाथरूम का मतलब क्या होगा? रसोई से रेफ्रिजरेटर, स्नानघर से निकालना, तो क्या होगा? टेलीविजन बाथरूम में नहीं होता, गीजर होता है। इसका आंसर क्या होगा? बी गीजर इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 47 क्वेश्चन जो कि हमारा, इन अ सर्टेन कोड ब्रेक्स इज रिटन एज, कैसे लिखा गया है? इन्होंने बोला है ब्रेक जो है उसको इन्होंने लिखा है टी ए जी पी एन एक्स। इसी तरीके से जो आपका क्लच है उसको इन्होंने लिखा है आई बी ई जे डब्ल्यू आर। और हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं ये बता दो कि व्हील्स कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको करने के लिए आप ये देखो, तो पहले मैं एक रिलेशन बताता हूँ कि रिलेशन बना कैसे रहे। अब देखो कई तरीके से हम करते हैं, जैसे कि एक तरीका और होता है जैसे कि ये बी का इन्होंने टी बना रखा है, तो क्या हर जगह बी का टी है? नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह अलग अलग ही माना गया है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे सी का इन्होंने एक बार मतलब लिखा है आई और एक बार सी का मतलब लिखा है डब्ल्यू, तो मतलब ये अलग तो लॉजिक बन नहीं रहा। कुछ और सोचते हैं, देखिए एस के बाद आता है टी, कितना गैप? प्लस वन। ठीक है, ई के बाद एफ छोड़ो आता है जी, कितना गैप? प्लस का टू। फिर के बाद एम एन, फिर के बाद एल एम, फिर एन, मतलब कितने गैप आया? यहां आया प्लस टी। इसी तरीके से अब आ जाओ आप ए पे। ठीक है, ए मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हुआ एक्स से, मतलब माइनस तीन। इसी तरीके से आर का मतलब हुआ पी से, बीच में क्यू होता है, पी क्यू आर मतलब माइनस टू। तो बी का मतलब किससे हुआ? बी का मतलब हुआ ए से, जिसका मतलब आया माइनस का वन। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, दोबारा समझिए। एच का मतलब आई से, मतलब अगला नंबर है, एक ही नंबर के बाद है, समझ में आ गया। सी को देखते हैं, सी का मतलब ई से, मतलब बीच में डी है, दूसरे नंबर पे आएगा।
सुनना है दूसरे नंबर पे। टी को देखते हैं, टी से बनाएंगे हम डब्ल्यू को, टी यू वी डब्ल्यू, तो मतलब बीच में दो है मतलब प्लस का तीन हुआ। इसी तरीके से अब मैं यू को जोड़ूंगा किससे, आर से। यू को अगर आप आर से जोड़ने जाओगे तो क्या बना, आर एस टी, बीच में आया एस टी मतलब दो, मतलब यहाँ पे माइनस तीन हुआ। इसी तरीके से अगर आप एल को बनाओगे तो एल बनाओगे आप जे से, वो हुआ आपका एम एन ओ पी जे के एल, बीच में के आया मतलब में माइनस टू। इसी तरीके से सी का बनाओगे आप बी से, जो क्या बना माइनस वन। तो क्या हुआ ये समझ में आया, पहले प्लस वन का गैप, फिर प्लस टू का गैप, फिर प्लस थ्री का गैप, माइनस थ्री का गैप, माइनस टू का गैप, माइनस वन का गैप। इस तरीके से व्हील्स का बनाते हैं। चलिए देखते हैं, एस के बाद एक का गैप लेकर टी प्लस वन, ठीक है। एल से लेते हैं तो एक गैप छोड़ के बनाएंगे एल, एम छोड़ के एन, ठीक है। ई से उठाओ, दो छोड़ के बनाना है तो ई के बाद क्या आता है, एफ जी छोड़ो एच, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस ई से उठाओ, यहां पे आएगा आपका माइनस थ्री, क्यों, ये था प्लस टू, ये था प्लस थ्री, अब आएगा माइनस थ्री। ई से तीन पीछे आओ, मतलब डी और सी को छोड़ो, मतलब यहां पे आएगा आपका बी, ठीक है। एच से आओ माइनस टू, मतलब आपको एक का गैप रखना है। जी छोड़ोगे क्या बनेगा, यहां बनेगा, तो यहां पे क्या आंसर आएगा, एक का गैप रखोगे मतलब जी का रखोगे तो अब आया एफ। लास्ट में डब्ल्यू, डब्ल्यू से माइनस करो तुम सिर्फ सिंगल को, तो डब्ल्यू के पहले क्या होता है, डब्ल्यू से जो पहले आता है वो आता है वी, वी डब्ल्यू एक्स। तो क्या बना रिलेशन, टी वी एन एफ एच बी, तो इसका आंसर क्या हुआ, डी, डी इसका आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, लॉजिक समझने में टाइम लगता है, बट समझ लीजिए काफी आसान क्वेश्चन है, बट दोबारा देखिए इसको पीछे आके समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ए से लेकर जेड तक कहीं साइड में लिख लो, ताकि आपको ये जो काउंटिंग होती है ना, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री या माइनस टू माइनस थ्री करना, वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 48वां क्वेश्चन। दीपिका इज द मदर इन लॉ ऑफ प्रियंका, हुज हस्बैंड इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ रणबीर, सलमान इज द ओनली सन ऑफ द हस्बैंड ऑफ दीपिका, वेल कैटरीना इज द ओनली डॉटर ऑफ द मदर ऑफ रणबीर, हाउ इज सलमान रिलेटेड टू कैटरीना। पहली बात तो क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं दीपिका प्रियंका की सास है। सबसे पहले यहां पे लिखा मैंने प्रियंका, और मैंने बोला जो दीपिका है वो प्रियंका की क्या है, सास, मतलब एक तरीके से आप उसको बोलो मदर इन लॉ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, मतलब यहाँ पे बात हो रही है प्रियंका के पति की, तो प्रियंका के अगर मैं हस्बैंड की बात करूं, वो कोई भी हुआ हमें पता नहीं है, वो क्या है, वो रणबीर की पत्नी के ससुर हैं। तो कोई एक रणबीर है, ठीक है, रणबीर की जो भी पत्नी है, वाइफ जो भी है इनकी, ये उनके फादर इन लॉ है, यहां से समझ में आया उनके ससुर हैं। अब बढ़ते हैं, अब कहते हैं कि सलमान दीपिका के पति के इकलौते बेटे हैं। दीपिका के पति मतलब उनके जो हस्बैंड होंगे उनके इकलौते बेटे हैं। अब देखो दीपिका और जो उनके पति हैं, ये प्रियंका के क्या है, सास ससुर हैं। तो मतलब प्रियंका का जो हस्बैंड होगा वो दीपिका और जो उनका पति है उनका बेटा होगा, तो इसका मतलब वो कौन है, सलमान। तो सलमान यहाँ पे आ गया, सलमान कौन है, दीपिका और उनके पति के बेटे और प्रियंका के हस्बैंड है। अब समझ में आ गया, थोड़ा रिलेशन बन गया। हाँ अब कहते हैं कि जबकि कैटरीना रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है। चलो अब बात करते हैं रणबीर की माँ कौन है, तो रणबीर की जो वाइफ है वो जो भी होगी उसके फादर इन लॉ सलमान है, तो इसका मतलब रणबीर के पिता है सलमान का। उनकी माँ कौन है, रणबीर की माँ कौन है, रणबीर की माँ है प्रियंका, ये उनकी मदर है और ये उनके फादर है, ठीक है। हमें क्या बोला है कि जो कटरीना है वो रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है, तो रणबीर की माँ की इकलौती बेटी मतलब इकलौती बेटी कौन है, कैटरीना, ये कौन है, डॉटर,
तो हमें क्या बोला गया कि ये दोनों क्या हुए, ये दोनों आपस में भाई बहन हुए तरीके से। अब बोला है कि सलमान का कटरीना से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, सलमान कौन है, कटरीना के पिता है, तो इसका आंसर क्या आया, सी फादर इसका आंसर हो गया। तो मैं क्वेश्चन किस तरीके से है, थोड़ा सा ट्रिपी क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख के दोबारा समझिएगा इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, रुकिए हमारा, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, 51, 49 यहाँ पे है इनके बीच में, तो एक ही का गैप छोड़ के 49, फिर 47, 45, 43, कितना आंसर आया, सी 43 आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन जो कि हमारे 50वां क्वेश्चन है, वो है विलेज पी इज टू द ईस्ट ऑफ विलेज क्यू, जो विलेज पी है वो क्यू से ईस्ट पे है, विलेज आर विलेज पी से नॉर्थ में है, मतलब विलेज आर विलेज पी से नॉर्थ में, विलेज एस विलेज आर से वेस्ट में है, मतलब जो विलेज एस से वेस्ट में है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि विलेज एस इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ विलेज पी, गांव पी गांव क्यू के पूरब में है मैंने दिखा दिया, गांव आर गांव पी के उत्तर में है वो भी दिखा दिया, गांव एस गांव आर के पश्चिम में वो बता दिया। अब पूछा गया है गांव एस पी की किस दिशा की ओर है, अब बताओ अगर मैं इनके बीच का ये बताना चाहूँ कि इनके बीच में कौन सा डायरेक्शन है, ये बताओ कि पी से किस डायरेक्शन में क्यू है, पी से किस डायरेक्शन में एस है, तो पी नॉर्थ और ये कौन सा होता है, ये होता है आपका वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, जिसका आंसर क्या है, सी नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर हो गया। तो यहां हमारा जबलपुर एआरओ का पेपर खत्म होता है, आपको कोई परेशानी आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार कर रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए उसको अटेम्प्ट करिए, अपने मार्क्स अच्छे करिए, उसको हमने नेगेटिव मार्किंग भी सेट कर दिए ताकि आप और अच्छी तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आपकी क्लास में चुकी है समाप्त। यदि आप एसएससी जीडी के पीडीएफ्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो ही वीडियो को आगे देखें, ठीक है। यदि आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाएंगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा, और इस पे जाने के बाद कुछ ऐसा खुलेगा, यहाँ पर आपको लिखना है एसएससी जीडी प्रोफेसर, लिखकर आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपको एसएससी जीडी के सारे पीडीएफ खुल के सामने चले आएंगे, ठीक है। इंग्लिश एवं हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ हिंदी मीडियम में लेना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम पे जाके पहले उस पीडीएफ को देख लें कि उसमें क्या दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-5 फोटोज दी गई होती है, तो उस पर क्लिक करें और उसके बारे में जानकारी ले लें। तो इस प्रकार से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उस पीडीएफ में क्या दिया गया है, ठीक है। ये देख लिया आपने, अब चलिए इंग्लिश मीडियम पे चलते हैं, और ठीक इसी प्रकार ये रहा इंग्लिश मीडियम वाला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वाला है और ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम। तो आप पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर बाय पे क्लिक करेंगे और अपनी आईडी बनाएंगे इंस्टामोजो पे। तो अपनी आईडी जो है आप वह जीमेल के थ्रू बनाएं, क्योंकि आपकी पीडीएफ जो है वह आपके जीमेल लिंक पे भी जाएगी, ठीक है। एक डाउनलोड लिंक जो है वह आपके जीमेल पे चला जाता है। तो आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद एक विंडो तो सामने खुल जाएगी जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो, एवं दूसरी लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे चली जाएगी। तो कृपया सही सही ईमेल आईडी डालें, गलत ईमेल आईडी नहीं डालें, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है। और यदि कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया होता है, ठीक है। ये आप जाएंगे कांटेक्ट में या फिर अबाउट में जाकर चेक कर सकते हैं, सारा नंबर ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे अपडेटेड है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिनको पीडीएफ चाहिए वो यहाँ पर पीडीएफ खरीद सकते हैं।